कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पे अभी हम आकर उपस्थित हुए हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत बिहार वन। आज ब्रज में अनेक वन होने पर भी ये जो विहार वन है, जैसे आप आए होंगे आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा आज भी वन है। यहाँ पे कोई बड़ी बिल्डिंग रोड वोड उस प्रकार से नहीं है आज भी। और ये जितना भी सारे के सारे स्थान है ये कृष्ण लीला के साक्षी हैं। यहाँ के सारे कुंड है, जो यहाँ की जो रज है, यहाँ के जो तरु है, लताएं हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण की बड़ी ही सुंदर सखी लीलाएं भी हुई हैं और मधुर लीला भी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी है, एक कीर्तन है जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बंसी क्या है, अदरेते वंशी तार अनर्थेर मूलधार, शीखी पीछे चूड़ा भाई ना करो विश्वास। भाई कभी भी उस पर विश्वास मत करना, कौन जो अपने सर के ऊपर मोरपोंख धारण करके बैठा है, क्यों उसके जो अधरेते वंशी तार अनर्थेर मूल धार, गोपियां कहती है सारी की सारी अनर्थ की जो मूल है वो कौन है, वो कृष्ण की बंसी ही है। गोपियों को रास के लिए कृष्ण ने कैसे बुलाया, बंसी के माध्यम से बुलाया। तो बताया ये बंसी ही कैसी अनर्थ की मूल है, मानो एक गोपी दूसरी गोपियों कहती है अरे तू इसको केवल बंसी मत समझ, ये बंसी नहीं है, ये तो साक्षात गरुड़ है। हम जैसी गोपियों का जो धैर्य है, मानो हमारे धैर्य रूपी भुजंग को नाश करने के लिए ये गरुड़ के समान है। दूसरी गोपी कहती है नहीं नहीं मेरे को तो ऐसे लगता है, गोपियों का जो लज्जा है, बताया लज्जा रूपी हमारे उस व्याधि के लिए साक्षात ये धन्वंतरी के समान आई है। दूसरी गोपी कहती है कि हम बहुत कुलवती हैं, हम जैसी कुलवतियों का क्या होता है, जो व्यक्ति कुलवती होती है वो बड़ी गर्व में रहती है कि देखो मैं अच्छे कुल की हूँ। तो हमारे हमारे गर्व रूपी महासागर को शोषण करने के लिए अगस्त्य के समान है। दूसरी गोपी कहती है कि देखो भाई इस बंशी से अच्छा तो कृष्ण का वो धनुष, राम का वो धनुष बांटता, मैं उसकी वंदना करती हूँ। क्यों ये बंशी भी किस कुल में जन्म ली है, बांस के कुल में, और धनुष भी किससे बना है, बांस से बना है। लेकिन वो जो धनुष था जब अपनी प्रतंचा पे चढ़ के किसी को तीर मारता था तो व्यक्ति उसी समय तत्क्षणात मर जाता था, लेकिन ये बांस कुल में जन्म लेने के बाद ये बंसी कैसी है, ना तो ये हमें मरने देती है और ना ही हमें जीने देती है, उससे अच्छा तो राम का वो धनुष ही था। एक गोपी कहती है कि देखो इस बंसी ने क्या किया है, अरे ये बंसी जब से आई है ये तो कृष्ण से भी ज्यादा और दुष्ट निकली, कृष्ण ने तो हमारा केवल चीर हरण किया था, अभी हम चीर घाट पे जाएंगे, लेकिन इस गोपियों ने तो हमारा, इस गोपियां कहती इस बंसी ने तो हमारा सब कुछ ही हरण कर लिया है, चीर क्या, लज्जा क्या, मान क्या, कुल क्या, धैर्य क्या, इससे तो हमारा सब कुछ ही हरण कर लिया है। दूसरी गोपी कहती है अरे तुझे पता है ये जो बंसी है, बंसी इसने केवल हमें अपने वश में नहीं करा, पूरा का पूरा त्रिभुवन इसके वश में हो चुका है, क्योंकि इसी बंसी गीत को सुन के लक्ष्मी जी भी क्या करती है, विष्णु जी को छोड़ के वैकुंठ से भागी आती है। अरे ये बंसी कोई जादू जानती है जो लक्ष्मी जी को तक वैकुंठ से भगा के ले आती है, तो हम तो एक साधारण अबला नारियां हैं, और तो और कहना ही क्या, अरे इसको तो पता नहीं कैसे कैसे जादू आते हैं इस बंसी को, इसने तो यमुना जी की भी धारा को रोक दिया, क्योंकि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो यमुना जी की धारा भी क्या होती है, रुक जाती है, पहाड़ पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो सब गोपियां कहती है अब हम करें तो करें क्या, हम लोग ना तो घर पे रह सकती हैं, ना ही हम वन में रह सकती हैं, ना हम घर वाली बन पाई, ना हम बनवानी बन पाई। तो सारी गोपियां सोचती है कि अब हम किसी प्रकार से कृष्ण की इस बंसी को चोरी करें। तो ब्रज में अनेक अनेक स्थानों पर बंसी चोरी लीला हुई है, क्योंकि कृष्ण की जो बंसी है, कृष्ण अपनी बंसी से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी बंसी को हमेशा अपने साथ में ही रखते हैं। एक गोपी कहती है कि देखो इस बंसी ने केवल हमें अपने वश में कराओ ऐसा नहीं, इससे तो कृष्ण को भी अपने वश में कर लिया है, क्योंकि कृष्ण आप कभी भी देखना सीधे खड़े होते हैं, लेकिन जब भी कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बंसरी। अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे कैसे खड़े थे, सीधे खड़े थे, जब माखन चोरी कर रहे थे तब भी सीधे खड़े थे, जब यशोदा मैया डांट रही है तब भी सीधे खड़े हैं, जब गैया चरा रहे हैं तब भी सीधे खड़े हैं, लेकिन टेढ़े कब खड़े होते हैं, जब उनके पास बंसरी आ जाती है। महाराज जी कह रहे हैं जब गिरिराज जी को उठाया था तब भी टेढ़े खड़े थे, क्योंकि बंसरी साथ में थी ना। तो बंसरी गोपियां कहती है कि देखो ये बंसरी जब से आई है इसने तो कृष्ण को भी अपने वश में कर दिया है, और कृष्ण इसको बजाने के लिए टेढ़े खड़े हो जाते हैं और एक पैर पे खड़े होके एक पैर पीछे कर लेते हैं। और ये कौन से कुल में जन्म लिया है इसने, बांस के कुल में जन्म लिया है, और कृष्ण ने कौन से कुल में जन्म लिया है, कृष्ण यदुवंशी है, यदु कुल में जन्म लिया है।
ये बंसफोरी इसको इतना भी नहीं पता, इतने नीचे कुल में जन्म लिया है और कृष्ण के जाके अधरों पे बैठ गई है। कृष्ण कहाँ इतने ऊंचे कुल के, और ये बंसफोरी कल की आई हुई उनके अधरों में जाके बैठ जाती है। और कृष्ण का जो अधर अमृत है, गोपियां कहती है वो हमारी संपत्ति है, और ये क्या करती है, हमारी ही संपत्ति को हमारे सामने पान करती है। और कैसी है, मानो ये गोपी ये बंसी कैसी है, कृष्ण की बंसी के अंदर छेद ही छेद है, अंदर तो कुछ भरा नहीं है, लेकिन छिद्र युक्त होते हुए भी ये सब जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ब्रजवासी हैं, उनके हृदय के अंदर अमृत भर देती है। और ये बंसी कैसी है, गांठ से युक्त है, बांस के अंदर गांठ होते हैं, लेकिन गांठ से युक्त होती हुई भी जब ये बजती है तो हृदय की सारी ग्रंथियों को तोड़ देती है। और ये बंसी मानो कैसी है, जब ये बंसी बजती है तो बताया कि गोपियाँ उसको सुनने के बाद, गोपियों के जो लज्जा रूपी सेना है वो सारी की सारी भाग जाती है। अगर किसी की लज्जा भाग जाए तभी तो वो घर छोड़ के कहाँ पे जाएगी, गोपी पति को छोड़ के कृष्ण के पास जाएगी। इस बंसी ध्वनि को सुनने के बाद बताया कि मानो गोपियों के जो नेत्र हैं वो घोड़े के समान है, जैसे ही इस बंसी ध्वनि को सुनते हैं तो गोपियों के नेत्र रूपी घोड़े भी दौड़ जाते हैं कृष्ण की ओर। इसी बंसी ध्वनि को सुनने के बाद जो गोपियाँ हैं उनका जो चित्त है वो सब कुछ छोड़ के भाग जाता है कृष्ण की ओर। जिस प्रकार से एक जो स्त्री होती है उसकी कुछ रत्न होते हैं, उसका मर्यादा, उसकी लज्जा, उसका कुल, उसका धैर्य, लेकिन ये क्या करती है, उन सबको परास्त करके उन गोपियों को अपने कंठ का हार बना लेती है। तो बताया कि ये बांस की जो बंसरी है इसमें इतनी शक्ति है कि जब ये बजती है हम गोपियां भी कृष्ण के कंठ का हार जाके बनके उनकी दासियां बन जाती है। अब किसी प्रकार से अगर हमें कृष्ण की बंसी चुरा ले तब जाके कृष्ण हमारे वशीभूत आ जाएंगे, लेकिन जब तक इनके हाथ में बंसी है ये तो हमें ना इस कुल की रहने देंगी ना उस कुल की रहने देंगी। और तो कहना ही क्या, जंगल में जब आग लगती है कैसे लगती है, दो बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं और पूरा का पूरा वन जल जाता है। तो गोपियां कहती है तो बांस कुल में इसने जन्म लिया है, जब ये अपने ही कुल की नहीं हो पाई, दो पेड़ मिलके पूरे के पूरे बांस का जंगल जला देते हैं, तब जब ये अपने ही कुल की नहीं हो पाई, अपने ही कुल को ये पूरा जला देती है, तो हमारे कुल की क्या ये चिंता करेगी। तो सारी गोपियां मिलकर आज प्लानिंग करती है कि हमने क्या करना है, कृष्ण की बंसी को किसी प्रकार से आज चोरी करना है। अब किसी प्रकार से ये बात पहुंच जाती है मधुमंगल के कान में कि हाँ आज कृष्ण की बंसी चोरी होने वाली है। तो मधुमंगल आते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण देखो आज एक बात बताऊं साची साची। हाँ हाँ बता भाई साची साची। देख बात ऐसी है कि तेरी तो बंसी ध्वनि आज चोरी होगी। तो कृष्ण कहते हैं, भाई कम से कम शुभ शुभ तो बोल लिया कर, तू ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों करता है। बोलते हैं, भाई ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, कि ब्रह्म का वाक्य भगवान का वाक्य होता है, तेरी बंसी तो आज चोरी होगी होगी। तो कृष्ण कहते हैं, अरे पेटू ब्राह्मण तेरी बात पे कैसे मैं मानूं, जो तू बोलेगा वही होगा क्या। बोलते हैं, देख ले आज तो तेरी बंसी पक्का चोरी होगी, मैं शराब और दे रहा हूं, जा तेरी बंसी आज चोरी होगी होगी। तो कृष्ण कहते हैं, तू पेटू ब्राह्मण तेरा शराब मुझे लगेगा क्या, तेरे शराब से क्या होने वाला है। तो मधुमंगल बोलते हैं, मैं पेटू ब्राह्मण नहीं हूं, तू मुझे ये मत समझ कि मैं तेरे साथ रहता हूं तो तेरी तरह मैं गाय के पीछे यूं यूं डोलता फिरता हूं, मैं एक बहुत बड़ा ऋषि ब्राह्मण हूं। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा मैं गाय के पीछे यूं यूं करके डोलता फिरता हूं, ब्रज में सब लोग मेरी महिमा जानते हैं, बता गिरिराज को किसने उठाया, मैंने उठाया, कालिया को किसने नथा, मैंने नथा, पूतना को किसने मारा, मैंने मारा। मधुमंगल कहते हैं, अरे वाह रे वाह, देखो सुबह से और कोई मिला नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या कह रहे, गिरिराज को तूने उठाया, बताइयो भाई लठ किसने लगाए थे। तो सारे सखा बोलते हैं, हाँ हम सब ने लठ लगाए थे, लठ हमने लगाए थे, तू हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया, गिरिराज को तूने उठाया, और क्या कह रहे, कालिया को तूने नथा, अरे मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, सब लोग जानते हैं कि ब्रज में सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, मधुमंगल, देखो पता है जब तू कालिया को नथने के लिए कूद रहा था जल में, उस यमुना जल के अंदर मैंने कुछ मंत्रों को फूंक करके जल में डाल दिया था, जिससे कालिया का सारा विष खत्म हो गया, नहीं तो कालिया देखो छोड़ता नहीं, जितनी भी तेरी सारी की सारी चमक है वहीं पे खत्म हो जाती, तो इसलिए कालिया को भी तूने नहीं नथा, किसने नथा, मेरे उस मंत्रों के माध्यम से तू बच गया, और क्या कह रहे, पूतना को तूने मारा है। अच्छा बता पूतना कितनी बड़ी थी, 10 कोस की थी, हम सारे ब्रजवासियों ने उसको 10 दिन तक 10 घंटे तक लठ मार मार के उसको यमुना में फेंक के आए थे, और तू कह रहा है कि पूतना को तूने मारा, क्योंकि जब पूतना गिर गई थी उसका शरीर बहुत बड़ा विशाल था, तो सब ब्रजवासियों ने फिर उसके शरीर को काट काट के उसका अग्नि संस्कार करके और कुछ शरीर उसको यमुना में बहा दिया था। तो वहां पे कृष्ण कहते हैं, अच्छा भाई मैं हारा तू जीता, अब आगे बोल। मधुमंगल बोलता है, हारा क्यों, मैंने हराया तभी तो हारा। तो वहां पे कृष्ण बोलते हैं, बता मेरी बंसी की रक्षा कैसे हो सकती है। मधुमंगल बोलते हैं कि देख भाई तेरी बंसी की रक्षा तब हो सकती है अगर तू अपनी बंसी मेरे पास रखवा दे और गौचरण करने आ जा बिना बंसी के, तब मैं तेरी बंसी की रक्षा कर लूंगा।
कृष्ण कहते लेकिन तू तो बेटू है, कोई भी देखो गोपी थोड़ा सा लालच देगी लड्डू को तो मेरी बंसी गवा देगा। मधुमंगल कहते हैं नहीं नहीं तेरी बंसी की रक्षा हो जाएगी, आज तू मुझे दे दे। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी बंसी मधुमंगल को दे देते हैं और मधुमंगल को बोलते हैं कि अब तेरे को इसकी रक्षा करनी है। तो मधुमंगल आज जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, सब क्रीड़ा कर रहे हैं, मधुमंगल बिल्कुल एक निर्जन स्थान में आके बैठ जाते हैं कि आज तो मुझे इसकी बंसी की रक्षा करनी है। और बंसी की रक्षा करने से मुझे क्या देंगे कृष्ण? कृष्ण बोलते हैं मैं तेरे को 2 नहीं 4 नहीं 8 लड्डू दूंगा। अब लड्डू के लालच में आज बंसी की रक्षा कर रहे हैं मधुमंगल। अब गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आती है, एक गोपी बोलती है कि अरे मैंने देखा आज कृष्ण जब गैया चरा रहे थे उनके पास उनकी अपनी बंसी थी ही नहीं, तो भाई किसके पास है बंसी? तो कोई ना कोई ऐसा सखा होगा जो आज गैया चराने नहीं आया उसके पास शायद होगी, तो ये देख के वो कौन नहीं आया, तो बताया कि मधुमंगल आज नहीं आया। तो गोपियाँ बोलती है कि चलो, अब ललिता बोलती है मधुमंगल को ढूंढो। अब मधुमंगल को देखते हैं तो वो एक निर्जन स्थान पर बैठा है। अब गोपी एक जाती है मधुमंगल के पास और बोलती है मधुमंगल देखो पता है ब्रज में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मधुमंगल बोलता है हाँ हाँ सबको पता है ब्रज में सबसे श्रेष्ठ है मनोहर लड्डू। गोपियाँ कहती है नहीं, ब्रज में सबसे श्रेष्ठ है रासमंडल। क्या है? रासमंडल। हम सुनते हैं ना जय जय परकिया जय जय रासलीला सर्व मनोरम, भगवान की रासलीला सबसे ऊंची है, तो ये जो रासमंडप है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो मधुमंगल कहते हैं ये रासमंडप क्या होता है, क्योंकि कृष्ण के सखाओं को तो रास से कुछ लेना देना नहीं है। तो गोपियाँ कहती है वो रास मंडप नहीं, वो रस मंडप है। कौन सा मंडप है? रस, जहाँ पे 4 प्रकार के रस मिलते हैं, चरवे चूषे पे लेहा रसमय, और वहाँ पे सारे के सारे जितनी भी धरती पे खाद्य वस्तु है बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे खाद्य वस्तु होती है। और तुझे पता है ये जो रस मंडप है इसको कृष्ण ने तुमसे छुपा के रखा, गोपन रखा है, वहाँ पे केवल हम गोपियाँ जा सकती है, और वहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर लड्डू मिलते हैं जिसके आगे मनोहर लड्डू का तो जो स्वाद है वो पूरा का पूरा फीका बढ़ जाए। तो मधुमंगल को थोड़ा लालच आता है कि अच्छा कृष्ण ने एक रस मंडप भी बनाया हुआ है जहाँ पे उसने बड़े बड़े रस रखे और मेरे से छुपा के रखे हैं, अच्छा गोपियाँ मुझे भी लेके चलो। लेकिन गोपियाँ कहती है देख भाई बात ऐसी है वहाँ पे तो कोई पुरुष नहीं जा सकता, केवल स्त्री जा सकती है, तो तेको क्या करना पड़ेगा आज एक गोपी का वेश धारण करना पड़ेगा तब तू वहाँ पे जा सकते और तेको बड़ा सुंदर पकवान मिलेंगे। तो मधुमंगल इस लालच में वहाँ पे क्या करते हैं, गोपी का वेश धारण कर लेते हैं, और उतने में जब वो गोपी का वेश धारण करते हैं तो उनकी बंसी ललिता पीछे से ही गायब कर देती है। अब वो रस मंडप पे जाते हैं, थोड़ा बहुत पकवान खाते हैं, और उतने में ही वो देखते हैं मेरी बंसी कहाँ गई, बंसी कहाँ गई, बंसी कहाँ गई। गोपियाँ बोलती है, गोपियों को बोलते हैं तुमने मेरी बंसी चोरी करी है? गोपियाँ कहती है अरे चोर तो तेरा स्वामी है, हम छोड़ना चोर है, जगत में सब लोग जानते हैं माखन चोर कौन है, कृष्ण है, तेरा स्वामी चोर है, उसने चोरी करी होगी, हम क्यों चोरी करेंगे तेरी बंसी। अब मधुमंगल समझ लेता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ तो आज चोरी हो गई। अब मधुमंगल रोता रोता आता है कृष्ण के पास। कृष्ण कहते हैं क्या हुआ? कृष्ण घबरा जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये रो रहा है, भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं, ये संसार किसी का भी नहीं है, संसार में कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो भरोसा करता है सबका भरोसा टूट जाता है। अरे तूने किस पे भरोसा कर दिया बता तो सही, कहीं मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ दिया? तो मधुमंगल कहते हैं कि नहीं नहीं बात ऐसी है कि देख कृष्ण मैं क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता, बस रोते ही रोते जा रहा हूं। तो कृष्ण बोलते हैं देख अगर तू सच सच बता देगा तो मैं देखो कोई दंड नहीं दूंगा, सच सच बता। तो मधुमंगल बोलते हैं अच्छा सच बता दूंगा तो दंड नहीं मिलेगा? हाँ हाँ फिर दंड नहीं मिलेगा, तो मेरा क्या जा रहा है, सच बता दे तो मंसी तो इसकी खोई है। तो मन ही मन में मधुमंगल सोचते हैं कि चलो देखो भाई अब मैं देखो सच बताता हूँ कृष्ण, आज आज तेरी, कृष्ण बोलते हैं मेरी बंसी, कृष्ण बोलते हैं बंसी। अब मधुमंगल हो जाते हैं चुप, कृष्ण उसको देखते हैं खो गई क्या? मधुमंगल कहते हैं क्या खो गई, बंसी खो गई क्या? मैंने बोला खो गई, पहले पूरी बात तो सुन ले। आज, कृष्ण बोलते हैं आज तेरी, कृष्ण बोलते हैं मेरी बंसी, बंसी फिर चुप हो जाता है, खो गई क्या? तो मधुमंगल कहते हैं क्या खो गई लगा रखा है, अरे तेको पता नहीं दिन में एक बारी जिम में के सरस्वती बैठती है, कम से कम सोच के तो बोला कर खो गई लगा रखा है, पहले बोल ले तो थे पूरी बात। फिर मधुमंगल शुरू करता है आज, कृष्ण बोलते हैं आज मेरी तेरी मेरी बंसी बंसी, फिर मधुमंगल चुप हो जाते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं खो दी क्या तूने? तो मधुमंगल बोलते हैं खो गई खुद ही बोलते जा रहे, तो जा सरस्वती बैठ गई और अभी कभी खो गई। तो कृष्ण बड़े वो होते हैं अरे तूने मेरी बंसी खो दी, कृष्ण कहते मधुमंगल बोलते हैं मैंने तेरी बंसी खोई नहीं है, तेरी बंसी जो है ना तेरे रास मंडप को भेंट में दे के आया हूं, तो जाके अपने वहां से ले ले, गोपियों के भंडार में पड़ी है। तो कृष्ण फिर बड़ा प्रयास करके कैसे आते हैं, किस प्रकार से गोपियों से उस बंसी को लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो इसलिए बताया कि कौन कौन कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो,
ठीक है, फिर आपको हमेशा यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर 7 दिन बाद चले जाओगे तो होगा नहीं। तो बताया कि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनना चाहते हैं, जिन्होंने वैष्णवों के मुख से कभी हरि कथा नहीं सुनी, जिन्होंने वैष्णवों के मुख से शासन नहीं सुना, वो कभी कृष्ण की बंसी ध्वनि नहीं सुन सकते। कृष्ण के कौन कौन दर्शन करना चाहते हैं? तो शीला प्रभुपाद जी बोलते थे जिन्होंने वैष्णवों के दर्शन नहीं करे वो कभी कृष्ण दर्शन नहीं कर सकते, जिन्होंने वैष्णवों के चरणों का अमृत पान नहीं किया वो कभी कृष्ण चरणामृत भी पान नहीं कर सकते, जिन्होंने वैष्णवों की सेवा नहीं करी वो कभी भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो अगर हम कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनना चाहते हैं, कृष्ण के साथ संबंध युक्त होना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है, वो क्या है? वैष्णवों के संग में सेवा करना, वैष्णवों के संग में उनके उपदेशों का पालन करना। क्योंकि भगवान कृष्ण जो भी हमें उपदेश देना चाहते हैं वो किसके माध्यम से देते हैं? वो देते हैं शास्त्र और साधु के माध्यम से। इसलिए जो साधु बोलते हैं, जो शास्त्र बोलते हैं, वो ही कृष्ण बोलते हैं। तीनों के वाक्य एक ही हैं। जो शास्त्र के वाक्य हैं वही साधु के वाक्य हैं और वही कृष्ण के वाक्य हैं। तो शास्त्र हम लोगों के लिए कुछ उपदेश देते हैं, अगर हम लोग उन उपदेशों को पालन करेंगे तब जाके तो हमें कृष्ण दर्शन हो सकता है। और कृष्ण दर्शन कैसा है? जैसे अभी हमने कीर्तन गाया था, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। बताया ये जो वृंदावन धाम है यहाँ पे अनंत सौभाग्य है, इसी वृंदावन धाम में ही अनंत अनंत राशि है, इसी वृंदावन धाम में ही अनंत सौंदर्य है, अनंत आनंद है, अनंत आनंद की किरणें हैं, अनंत ज्योति है। और इस वृंदावन धाम का जो आश्रय लेता है उसका भी सौभाग्य अनंत हो जाता है। इसलिए बताया कि ये जो वृंदावन धाम है इसका कैसे आश्रय लेना है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है, सारा का सारा कौन सिखाते हैं? साधु लोग सिखाते हैं, तब जाके कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वो कैसे दर्शन है, जिस कीर्तन में भी हम गा रहे थे, इंद्र नील मणि कृष्ण रूप खानी हिरिया कदंब मूले, मन ओचाटन न चले चरण संसार गेलाम भूले, सखी है सुधा माए से रूप माधुरी। हे सखी, कैसी सुंदर रूप माधुरी है कृष्ण की, जिनको देखने के बाद क्या होता है, मन उचाटन ना चले चरण, मन भी इस संसार से उचाटित हो जाता है और मन फिर वापस चरण लेने का नाम ही नहीं लेता। संसार गेलाम भूले, वो संसार को ही भूल जाता है और मन फिर यहीं पे ही कृष्ण के चरणों में जाके स्थित हो जाता है। इत उत देखत जन्म गयो, कोटि कोटि जन्म हमने इस संसार की सारी वस्तुओं को भोगने में, देखने में, विलास करने में लगा दिए, लेकिन तब भी ये मन कभी शांत होता है? तब भी ये मन शांत नहीं होता, ये मन तब भी भटकता रहता है। बताया जब तक इस मन को भगवान श्री कृष्ण का चरणारविंद नहीं मिलेगा तब तक ये भटकता ही रहेगा। और उसकी एकमात्र विधि बताते हैं हमें सद्गुरु वैष्णव लोग। इसलिए अभी तक जिन्होंने अपने पास माला नहीं रखी है वो सब लोग अपने पास माला रख लो। मानो अगर एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, अगर भगवान कृष्ण हमसे कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए हमारे घर पे, हम लोग देंगे या नहीं देंगे? देंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए? वो तो त्रिलोकीनाथ है, हो सकता है या नहीं हो सकता? यद्यपि हो तो नहीं सकता, लेकिन भगवान करुणावश भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। क्या भगवान को भिक्षा मांगने की आवश्यकता है? वो चाहे तो कुछ छीन के भी ले सकते, सब उनका है। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने भिक्षा मांगी। क्या भिक्षा मांगी? उन्होंने यही भिक्षा मांगी, हरि नाम महामंत्र लव तुमी मांगी। स्वयं भगवान एक त्रिदंडिक भिक्षु का स्वामी का रूप धारण करके सन्यासी बन के भिक्षा मांग रहे हैं, स्वयं कृष्ण और राधा जी के भावों को लेके हम सब लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं कि तुम क्या करो, भगवान का नाम ले लो। उसमें किसका कल्याण, हमारा या भगवान का? हमारे कल्याण के लिए। जैसे कल हम लोग मानसरोवर गए थे, महाराज जी ने एक व्यक्ति को वहां पे खड़ा किया था कि जो भी जाए उसको बोलना यहाँ पे नीचे नहीं जाना, यहाँ पे फिसलन है, आप गिर जाओगे। तो एक वो छोटा सा बच्चा है, कहाँ गया वो, खड़ा था, वो सबको बोल रहा था प्रभु जी यहाँ पे मत जाओ, ये रहा, माता जी यहाँ पे मत जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे मत जाओ। अब कईयों ने इसकी प्रार्थना सुन ली और कईयों ने नहीं सुनी। प्रार्थना किसके लिए कर रहा था? उनके ही कल्याण के लिए कर रहा था, जिन्होंने नहीं सुनी बेचारे गिर भी गए। उसी प्रकार से भगवान हमसे भिक्षा मांगते हैं, किसके लिए मांगते हैं? हमारे अपने कल्याण के लिए, कि हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी, एनेची औषधि लाई माया नाशी बार लागी, इस माया को नाश करने के लिए, तुम्हारे सारे दुखों को नाश करने के लिए मैं ये औषधि लेके आया हूं। क्या औषधि है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर इस औषधि का पान करते रहेंगे तब जाके हमें भगवान कृष्ण के अवश्य दर्शन होंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी। परम स्वरूप है नहीं, चले गए कहाँ चले गए? हाँ हरे कृष्णा। अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये वन का नाम क्या है? जोर से बोलो। ये ठाकुर जी का नाम क्या है? ये नाम ठाकुर का नाम भी रास बिहारी है, ठाकुर जी का नाम भी बिहारी है। ये कुंड का नाम क्या नाम है? बिहार कुंड है। इसलिए ये स्थान का नाम बिहार क्यों नाम पड़ा? कारण है जहाँ पर उन्होंने सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में कृष्ण ये कुंड में भी बिहार करते थे, यहाँ पर लीला करते थे, इसलिए नाम का पड़ गया बिहार कुंड है। इसलिए जब हम लोग आ रहे थे एक गांव को देख करके आए, वो गांव का नाम था खेलन बन। क्या नाम था? खेलन बन। एक समय राधा कृष्ण दोनों इसमें खेल रहे थे और राधा रानी का जो सास ननंद, पता है उनका नाम क्या? जटिला और कुटिला। जटिला मतलब जट पकाना, कुटिला मतलब कुटकुट कुटकुट करना। हाँ, बिना कारण से कहाँ गई थी, क्या हो गया, क्यों नहीं आई, इतने देर क्यों हुई, हर समय जो कुटकुट करती थी। कारण है राधा कृष्ण का मिलन आसानी से नहीं हो जाए, इसलिए ये जोग माया ने इसको बनाया है। हैं, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इसका हम कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का ब्रह्मा तो एक तरफ पर शादी किया है, लेकिन उन्होंने गंधर्व शादी उन्होंने करवाया था, लेकिन जो राधा रानी की हम जाएंगे, राधा रानी की जहाँ विवाह हुई थी, इसलिए एक समय क्या हुआ, जटिला और कुटिला उनका सास और ननंद ये दोनों ने एक समय राधा रानी के ऊपर में अपवाद फैला दिया। बोले मेरे ये बहू, ये राधा रानी क्या करती हैं, ये कृष्ण को साथ में घूमते रहती हैं, इसके चरित्र ही नहीं, ये चरित्र ही नहीं। लेकिन हम कहते ना राधा कृष्ण सीता राम राधे श्याम, इसलिए राधा रानी कृष्ण के ही सकती हैं और किसी के है नहीं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उनकी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उनका मिलन में आकर्षणता नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने बड़ी अपवाद फैला दिया ब्रजमंडल में, मेरी जो बहू इसकी चरित्र ठीक नहीं, ये कृष्ण के साथ में घूमती रहती है। एक दिन राधा रानी ने कृष्ण को बोले, बोले श्याम सुंदर, मेरी ननंद और बहू पूरा ब्रज मंडल में मेरे नाम पर बदनामी फैला दिया, ये असत्य चरित्रहीन है। हाँ, मेरा नाम पर उन्होंने बड़ा अपवाद उन्होंने फैला दिया। कृष्ण ने बोले कोई चिंता नहीं, मैं ऐसे काम करूँगा, अगर ब्रजमंडल में पता चलेगा, अगर कोई सती ब्रजमंडल में एकमात्र कौन है, श्री राधा रानी। इतने में कृष्ण ने उन्होंने बुखार का लीला की, सर दर्द बुखार। इतने में जो पौर्णमासी जोग माया, ये कौन पौर्णमासी जोग माया, कहते जो राधा कृष्ण को जो मिलन कराने वाली जोग है ना, राधा कृष्ण को जो जोग कराती है, तब उन्होंने नंद बाबा ने बुलाए उनको, वो यहाँ के पुरोहितानी हैं, बुलाए, बोले मेरे बेटे का बुखार जर सर दर्द गई सही होगा, बोले देखो सही हो सकता, बोले काम बड़ा कठिन है, बोले क्या करना पड़ेगा, बोले कृष्ण की जो केस है ना, बाल है, उससे एक यमुना के ऊपर में एक ब्रिज बनेगी, एक बाल की और एक कलसी जिसमें 1000 छेद हो, अगर ये ब्रिज के ऊपर में जो केवल सती नारी होगी ब्रज में, केवल इसके ऊपर वही चल सकती हैं, और जो सती नारी होगी वो जो कलसी जिसमें 1000 छेद, वही केवल उसमें पानी भर सकती, असत्य कभी ये पानी भर ही नहीं सकती, अगर उससे भर करके पानी ला करके कृष्ण को स्नान कराया जाए, बुखार सही होगा। अभी ये तो ब्रज में ये बात फैल गया, अभी सब जितना स्त्रियां तो डगमगा गई, कहते भैया अभी क्या होगा। इतने में सबको बुलाया गया, बोले भैया जटिला और कुटिला ये सास और ननंद ये क्या कहती रहती हैं, ब्रज में अगर सती है ना हमारे माँ और बेटा, और जगत में कोई सती नहीं, ये दोनों बड़े डीग हाँकती हैं, बोले पहले उनको बुलाया जाए, इनको पहले बुलाया जाए। इतने में अभी बुलाया गया तो जो जटिला कुटिला थी, वो बाल का ब्रिज के ऊपर कोई चल सकते हैं, बता बाल को ब्रिज पर कोई चल सकता है, असंभव है। लेकिन इतने में उन्होंने जो प्यार रखना, धड़ांग करके गिरी, कहाँ पर गिरी, यमुना में। सब जितने ब्रज के लोग इकट्ठे हुए थे, सब जोर जोर से हंसने लग गए, बोले देखो ये अपनी आप को बड़ाई करते हैं, हम सती नारी कोई भी ये काम नहीं कर सके। फिर उन्होंने जब पानी में डुबो करके जब कलश को उठाया ना, सारे पानी नीचे गिर गया,
इनकी तो बड़ी बदनामी हो गई, और तो कोई डर से जा ही नहीं। अगर ब्रिज का अगर गिर जाएंगे, अगर पानी नहीं भरेगा तो क्या प्रमाणित होगा ब्रज में हम सबके सब असती है, इतने में अभी क्यों कौन करेगा। बोले देखो केवल एक व्यक्ति को बुलाया जाए, हो सकता वही कर सकती है। कौन है? श्री राधा रानी को बुलाओ। इतने में श्री राधा रानी को बुलाया गया। जब राधा रानी को बुलाया, इतने में राधा रानी हृदय से बोले, हे श्याम सुंदर, अगर मैं कभी तुम्हारी सिवाय और किसी को अगर कभी स्मरण नहीं किया हो, अगर तुम मेरे रोम रोम में तुम ही बैठे ही हो, इसलिए राधा जी का एक नाम श्यामा, कल सुन रहे थे ना, कृष्ण श्याम और राधा रानी श्यामा। श्यामा मतलब क्या? जो केवल कृष्ण रंग में जो रंगी हुई, जिनकी बाहर भीतर रोम रोम से कृष्ण सिवाय और कोई नहीं। बोले हे श्याम सुंदर, अगर मैं तेरे सिवाय और किसी को नहीं जानती हूँ, तभी ये ब्रिज के ऊपर मैं चल सकती हूँ और कलश में पानी भर सकता है। राधा रानी सचमुच से जो केस का केवल एक केस है वो, उसको ऊपर में राधा रानी चलते चलते गई। सारा दुनिया के ब्रज के लोग इकट्ठे हुए थे, सब के सब देख रहे थे राधा रानी ये बाल की केस ब्रिज के ऊपर चल रही है। और उन्होंने जब उन्होंने कुंड ये यमुना में सत छिद्र युक्त छिद युक्त जो उन्होंने कलसी को डुबा करके जब उन्होंने ऊपर उठाया ना, एक बूंद भी उसमें पानी नहीं पड़ी, एक बूंद उसमें पानी गिरी नहीं। और जितने ब्रज में थे, जितने सबके सब जोर से ताली बजाए, बोले श्रीमती राधा रानी की। और उन्होंने वो पानी को लाई राधा रानी, और कृष्ण को स्नान कराया गया, और कृष्ण की बुखार सही हो गया, कृष्ण की बुखार सरदर सही हो गया। इसलिए बोले भैया ब्रज में पूरा हला हो गया। अगर ब्रज में असती कौन है? जटिला और कुटिला। अगर सती कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी भागवत में कहते हैं, भैया असत्य कौन और सत्य कौन, आप लोग भी सुन लो। देखो सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले जीवा असत्य दार्दुरी का एव सुच नच उपगायंती उरु गायगा था। बोले सचमुच से सत्य कौन है जगत में? कहते सती वही है जो अपनी पति को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। कहते भैया असली पति कौन है? कहते ना तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्याम द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। कृष्ण ही हमारी। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जो सद चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की। कहते ऐसे चूड़ी पड़ो कभी जैसे टूटे नहीं, ऐसे मांग भर कभी मिटे नहीं हैं, ये कब ऐसे होगा? इसलिए ये रुक्मिणी कृष्ण को पास में पत्र लिखती है, बोले हे श्याम सुंदर, जगत में पति कहने का लायक जगत में कोई है नहीं। पति मतलब क्या है? प मतलब जो पालन करे, ती मतलब संसार से जो त्राण करे। कौन पालन करने वाले, त्राण करने वाले कौन है? एकमात्र भगवान कृष्ण है। इसलिए रुक्मिणी कहती है, हम जब शादी होता है मांग भरती है, चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो चूड़ी भी टूट जाती, मांग भी मिट जाती। क्यों? जगत में कोई पति है नहीं। इसलिए हर जीवन में नए नए पति, नए नए स्त्री, लेकिन सबके सब खत्म हो जाती। क्यों? कहते जब तक ये रुक्मिणी कहती, बोले परम पति कौन? बोले तू ही एकमात्र परम पति। जगत में जिसको पति रूप में कहते हैं, वो टाटी पेशाब खून पीक से भरा हुआ शरीर को पति कहते हैं। बताओ शरीर में क्या है, अंदर में क्या है? किसका पेट को फाड़ कर रखते तो भाग जाएगी आगे, क्योंकि अंदर में टाटी पेशाब खून और कुछ है ही नहीं। इसलिए जो परम पति वो भगवान कैसे? सचिदानंद रूपाय सत चित आनंद भय कौन? भगवान कृष्ण। ये रुक्मिणी ये बात कहती, बोले प्रभु जब तक जीव तेरे को असली पति रूप में प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक पकड़ोगे तब तक छोड़ोगे, पकड़ोगे छोड़ोगे, लेकिन जब एक बार जीव तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर ले, फिर तो मांग मिटेगी नहीं, सिंदूर मिटेगी नहीं, शंखा टूटेगी नहीं है। इसलिए असली पति कौन है? कृष्ण। इसलिए राधा रानी क्या करके रखी? अपना हृदय में कृष्ण को ही उन्होंने बैठा कर रखी, और किसी को हृदय में राधा रानी स्थान नहीं दी। इसलिए तब भी हम सही सती होंगे। सुत गोस्वामी कहते हैं, जैसे एक पतिव्रता नारी का धर्म है, अपना पति का ही गुणगान करे, अपना पति की ही सेवा करे। कहते ये जीवा जब भगवान की कीर्तन करेगा, ये जीवा जब भगवान के नाम लेगा, कहते भैया तभी ये जीवा सती है। इसलिए आप लोग भी जीवा से क्या करो? भगवान की नाम को जप करो। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हाँ अब बताओ असली पति कब मिलेंगे, जब ये हरे कृष्ण नाम जप करोगे, क्योंकि नाम के बाद खिंची आएंगे आखिर एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। इस नाम से ही हमारे परम पति हमें मिलेंगे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के बोले सबके सब ये हरि नाम को जप करो, ये हरि नाम को द्वारा ही एक दिन ठाकुर जी हमें जरूर प्राप्त करेंगे, इसलिए सबके सब हरि नाम करना और भगवान की भक्ति करो और जीवन को धन्याति धना बनाओ। इसलिए अभी हम लोग यहाँ देखो साधारण लोग है ना, इस सब स्थान में नहीं आते हैं। जो पहली बार कौन आए यहाँ पर हाथ उठाओ, तो पहली बार कौन आए, लेकिन लोग जानते हैं चलो बांके बिहार वृंदावन, चलो टिकिया बड़ी बड़े सुंदर टिकिया मिलता है, गोल गोपे दही बड़ा बढ़िया मिलता है, लस्सी बस पी करके बोले बढ़िया वृंदावन दर्शन हो गया, लेकिन असली जो वृंदावन है ना यही है, जहाँ पर ठाकुर जी यहीं पर उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला की है, हैं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो कि ये सब स्थान में आए हो, असली जहाँ पर ठाकुर जी विहार किया है, उन्होंने लीला किया है, असली स्थान पर आप लोग बैठ करके उनकी कथा सुन रहे हो, समझो आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो, ठीक है ना। इसलिए हर साल आना, कौन कौन आएगा हर साल, गुरु जी कहते थे अकेले नहीं आना, जैसे कहीं बढ़िया पराठा मिलता है ना, गोलगप्पे मिलता है, हम क्या कहते हैं भैया वहाँ पर बहुत बढ़िया पराठा, नहीं तो गोलगप्पे। मैंने सुना दिल्ली में तो पराठा खाने के लिए कितना किलोमीटर तक साइकिल गाड़ी लेकर जाते हैं, इसलिए जब कोई बढ़िया चीज़ खाओ ना तब क्या होगा, दूसरों को भी तो बोलो भैया वहाँ पर चलो, हम सबके सब गुरुदेव कहते थे अगली बार जब आओ एक एक व्यक्ति दस दस भक्तों को लेकर के आओ, कितने लोगों को, कितने लोगों को लेकर के आओगे ना। हाँ ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री बिहार बन की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।